बस सर जी अल्लाह का आसरा ही था, वो ही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जितना बचा सकता उतना बचा दे, बाकी सबके साथ ही खड़े थे हम। सब माल अल्लाह का है, सारा कुछ यहीं पे रह जाना। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शॉप्स बच गई हैं। एक गोदाम था छोटा, अच्छा वो जल गया, उसमें कीबोर्ड माउस थे। अल्लाह ने बहुत बहुत ही करम नवाजी की कि नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर पर भी बच गया और सेकंड फ्लोर पर भी बच गया। सर जी हम तो घर में आराम कर रहे थे, संडे का दिन था, अच्छा तो अचानक ही फ़ोन आने लग गए एकदम ही कि प्लाजे में आग लग गई है, तो बस फिर अपनी अपनी पड़ गई है, तो कोशिश की आप यहाँ पे आने की, लेकिन उस टाइम तक हम लेट हो चुके थे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। घर पर ही था तो पहले तो पता चला कि गुलबर्ग में किसी प्लाजे को आग लगी हुई है, यही नहीं कन्फर्म हुआ कि कौन सा प्लाजा है। ठीक है, दो तीन घंटों के बाद फिर पता चला कि जी हमारे फिर सेंटर को आग लगी हुई है। ठीक है, पता कहाँ से चला? पता न्यूज़ से। हमारी ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है जी 53 नंबर। सुबह के टाइम पे जी आतिश लगी हुई है दो दुकानों में सेकंड फ्लोर पे। उस वक्त हम लोग तो घर थे, हमें तो इन्फॉर्म ही किया गया। मेरे एक दोस्त हैं वो यहाँ पे ना सुबह सुबह आते हैं, वो नाश्ता वगैरह सप्लाई करते हैं, वो जब यहाँ से गुजरे हैं उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, फिर मैंने आगे जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं बिजनेस के हवाले से दुकानदारों के आपस में मैंने उनमें शेयर किया, भाई साहब से सबको पता चला। ठीक है, जैसे जैसे लोगों को पता चला वो आए, लेकिन दादी टीमें भी आई हैं, उन्होंने आके अपना काम किया। फायर ब्रिगेड वाले मुझे पहुंचे थे कुछ याद है, मैं तकरीबन पहुंचा जी 7 बजे के। मैंने देखा कि सर जी धुआं निकल रहा था बिल्डिंग में से और शोले निकल रहे थे, और बस कुछ समझ ही नहीं थी यार क्या कर सकते हैं। आपको कोई उम्मीद थी कि आपका सामान बचे? बस सर जी अल्लाह का आसरा ही था, वही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जितना बचा सकता है उतना बचा दे, बाकी सबके साथ ही खड़े थे हम भी। अल्हम्दुलिल्लाह आग से बचने के लिए तो शुरू में तो रिस्पॉन्ड जो मिला वो अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने फायर फाइटर ने जितनी मेहनत की है अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने तो जितना कवर कर सकते थे उन्होंने प्लाजे को बचाने की कोशिश की है। प्लाजा बचा भी है? हाँ जी प्लाजा बचा भी है, 70% प्लाजा सेफ है। ये तो अल्लाह पर ही उम्मीद थी जी, हमें इनके इन लोगों पर कोई उम्मीद नहीं थी कि सामान बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन अल्लाह ने बहुत बहुत ही करम नवाजी की कि नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर पर भी बच गया और सेकंड फ्लोर पर भी बच गया। उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक थी, आग के शोले लिपट रहे थे, बाहर निकल रहे थे बिल्डिंग से, और जो अपना आग बुझाने वाला हमला है 11-22 वाला वो आया हुआ था, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। भाई क्या प्राइस है एक पीसी की कम से कम, ये सिस्टम जो आप उठा रहे हैं सीपीयू विदाउट रैम आ रही है खाली 10,000 रुपये का बॉक्स है? ये बॉक्स है सिर्फ? ये इस वक्त खाली बॉक्स है, सामान निकालना हुआ सब कुछ इसमें से। कितनी बचत हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों शॉप्स बच गई हैं। एक गोदाम था छोटा, अच्छा वो जल गया, उसमें कीबोर्ड माउस थे, तो अल्लाह का शुक्र है सामान बच गया, अल्लाह का बड़ा करम है। अप्रोक्सीमेटली कोई 300-350 लैपटॉप पड़े हुए हैं, 2-2.5 करोड़ रुपया तो हो गया। 2-2.5 करोड़ जी। आपको क्या लगा उस वक्त के आपका सामान बच जाएगा? उस वक्त तो ये लगा था कि ये कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, दरमियान में प्लाजे के लगी थी, लेकिन वो बाहर से पानी उसको लगाते रहे, अगर वो उस वक्त अंदर पहुँच जाते जिन दुकानों पर आग लगी हुई थी तो वो उनको कुछ आ पाती। तब आपको लगा कि अब कोई बचत नहीं होगा? तकरीबन को 9-10 बजे के करीब जब आग के शोले जो है ना हवा के साथ तेज हो गए, हाँ जी आग के शोले तेज हो गए हवा की वजह से, अब आग का फ्लो पीछे चैनमन की साइड से आगे मेन बुलेवार्ड की तरफ जा रहा था। तब आपने हार मान ली थी? तब हार तो नहीं मानी थी, लेकिन ये है कि दिल बुझ गया था कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान के बाद ही को बच पाएंगे। क्या महसूस हुआ जब अपने सामान अपना दुकान जलते ही? सर जी सामान नहीं जल रहा था, हमारा दिल जल रहा था, हमारी सारी ज़िंदगी का हम लोगों ने पता नहीं किस किस तरह अपने वसाइल बना के यहाँ पे कारोबार किए। ज़्यादातर जली हैं वो ज़्यादातर स्टोर थे, नीचे वाली दुकानों में ऊपर स्टोर थे, वो तकरीबन कोई समझ 2-2,000 स्क्वेयर फीट के अंदर दुकानें थी, तो वो बड़ी दुकान जी जी बड़े जी 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 बिल्कुल। जब पेचीदगियाँ बढ़ती जाती हैं, लोग ज़्यादा होते जाते हैं, तो पेचीदगियाँ भी ज़्यादा बढ़ती हैं, और वो ये ज़्यादा लोगों का रश होने की वजह से छोटे छोटे कामों के ऊपर निशानदहियों के ऊपर काम नहीं हो रहा था, या जो काम हुआ भी था वो इनकम्प्लीट था, या हमने वो जो AC लगाए उनकी डक्टिंग पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे काम होते रहे। हमें तो पता चला था तकरीबन 7 बजे के करीब, 7 बजे के करीब पहुंच गए थे जी, देखा जा रहा था इस तरफ
हाँ जी, तब ऊपर इतना नहीं था, तब बस धुआं ही था ऊपर। उम्मीद तो लास्ट टाइम तक नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है। जब लास्ट टाइम 10 बजे कंफर्म हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से गए थे, खुद ही गए थे। बाहर वाला बोर्ड जल गया था, जो साइन बोर्ड होता है ना, वो जला था बस। थर्ड फ्लोर लिफ्ट के साथ लेके जाएगा, पूरा फेरे लेके जाएगा। कितने पीसेस सामान आपका बचा? हमारा तकरीबन जी बिल्डिंग जो है ना, वो तो आपको पता ही है कि 11 से 11 जो है ना वो डैमेज हुआ। आपकी अपनी दुकान थी? हमारी अपनी दुकान तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक सेफ है। पानी का सुना है कि कुछ अंदर आया दुकान? पानी को जब वो फायर ब्रिगेड वाले पानी ऊपर डालते रहे तो वो लाम हालाबाद है, नीचे ही आना था। वो नीचे दुकानों पर अंदर भी गया है, उसने नीचे वाली दुकानों को बेसमेंट में और ग्राउंड में ज़्यादातर फर्नीचर को डैमेज किया है, लेकिन जो लोगों की इमलाक के अंदर जो सामान था वो उनका बच गया, वो ज़्यादा डैमेज है। जब कोई भी चीज़ अल्लाह की तरफ से हो तो उसके तासुरात ऐसे ही होते हैं कि सब माल अल्लाह का है, सारा कुछ यहीं पे रह जाएंगे। और हम दोनों हाथ खाली लेके आए थे और दोनों हाथ खाली लेके जाएंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ऐसे देखा जा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल देखा। कोशिश की? हाँ जी, कोशिश क्या करनी थी, लोग कोशिश कर रहे थे, हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। घर में वालदैन, बच्चे, बीवी, इनको पता था कि ये आप पे गुजर रही है? घर में ये सरासिमगी का आलम था जी, बता के ही आए थे, वो दुआएं कर रहे थे हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें रहमत करे। तो बस ये कुछ उनकी दुआएं हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना वो सिलसिला हमारा तो बच गया, बाकी भी कुछ लोगों का 50% लोगों का काम सही था। आप समझते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कुछ ऐसे इंतजाम थे जिससे आग बुझाई जा सकती थी? हमारे प्लाजा में फायर सैंक्चुअरी भी होते हैं, हमारे प्लाजा में उन्होंने हंगामी सूरत में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए पाइप और पानी ये सारा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन वो सिस्टम शायद इन्होंने काफ़ी अच्छे से चेक नहीं किया था। अगर वो सिस्टम वर्किंग में होता तो दो दुकानों की आग बुझाने के लिए बहुत मवाद था यहाँ, लेकिन जब मौके पे जिन लोगों ने उनको बुझाने की कोशिश की है, जो बातें हमने सुनी है, उस वक्त उन लोगों ने जब उसको बुझाने की कोशिश की है तो वो इक्विपमेंट काम ही किया। कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई? अब फिलहाल तक तो नहीं हुई कोई चोरी। हाँ जी, फिलहाल सामान मिसिंग नहीं है? बस हमारा तो कोई मिसिंग नहीं है, कई लोगों का मिसिंग है, उन्होंने छोटा मोटा छोटा मोटा कुछ ऐसा हुआ है जिससे कोई पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और उससे ज़्यादा नहीं। मैं पहले दिन आया हूँ, बाइक पर आया हूँ तो मेरे मोटरसाइकिल से हेलमेट भी किसी ने उतार लिया। हेलमेट? हाँ जी, ये देखिए छोटी मोटी चोरियाँ जो बच्चे बाइक। हाँ जी, वो तो आपको बड़ा मेजर, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेजर कोई नहीं है, लेकिन छोटी मोटी हुई है।